2014 से एक संगठन ने त्रिपुरा में रहे घुसपैठियों को जब तक देश के बाहर बांग्लादेश वापस नहीं भेज देता तब तक राज्य में सभी भूमि पुत्रों को वोट बॉयकॉट करने की नारा लगाकर बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। आवर लैंड आवर राइट्स, राज्य हमारा मिट्टी हमारा तो शासन भी हमारा होगा, इस नारे से भी कई लोगों का विश्वास जीता। घुसपैठियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, लीगल फाइट, लीगल जस्टिस, न जाने कितने सारे विचारधाराओं के साथ लोगों को प्रचार किया गया। लेकिन 2021 में इस संगठन ने अपने वोट बॉयकॉट वाले नारे को भुलाकर आखिरकार राजनीति दल में खुद को तब्दील कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपीएफ दल की, जिसका सुप्रीमो है पतल किन्ना जमातिया। अपने दल को राजनीति दल में तब्दील करने के बाद जब त्रिपुरियों के दिल में राज करने वाला बुबाकरा ने उन्हें त्रिपुरा दल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तब उनके मन मुताबिक 10 सीटों के टिकट न मिलने पर त्रिपुरा दल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। धीरे धीरे सभी लोग जो एक समय टीपीएफ दलों को समर्थन करते थे, सभी लोगों ने टीपीएफ के वादे और काम को विपरीत पाकर टीपीएफ छोड़ त्रिपुरा में खुद को शामिल कर लिया है। पतल किन्ना जमातिया ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कई सारे दावे किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब तक को बांग्लादेशी घुसपैठिया कह डाली थी। त्रिपुरा में ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंट्रोल्ड बाय इलीगल इमिग्रेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तक, आजकल जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इलीगल इमिग्रेंट्स कम फ्रॉम बांग्लादेश। पर 20 मार्च 2022 के दिन पतल किन्ना जमातिया ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की तारीफ करते हुए खुद को भाजपा दल में शामिल करवा ली है। वर्तमान त्रिपुरा राज्य में राजनीति एकदम देखने लायक हो चुकी है क्योंकि पूरे विरोधी दल एक साथ एक तरफ और त्रिपुरा दल एक तरफ।